नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके और हमारे चैनल द टेक हेल्पर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी 8A के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी उसकी पूरी जानकारी, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कैसा है यार दोस्तों फ़ोन, पूरी जानकारी, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बिना देर किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों कैसा होगा ये फ़ोन? दोस्तों इस फ़ोन में रेडमी 8A, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये पहला ऐसा फ़ोन है शाओमी की तरफ से रेडमी में, रेडमी 8A की चाइना में लॉन्च होने से पहले ये फ़ोन इंडिया में 25 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। क्यों, इसकी वजह भी हम आपको आगे की स्टूडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों उससे पहले हम आपको इसमें फ़ोन के बारे में बात करें। आपको इसमें देखने को मिलेगा पीछे सिंगल कैमरा, फ्रंट में सेल्फी, सिंगल मतलब बहुत कैमरा, और छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसे इसके प्रोसेसर की बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ये इसका प्रोसेसर है। बैटरी की बात करें तो मान लो दोस्तों एक तरह का पावर बैंक ही बना दियो, 5000 mAh की MI का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी द्वारा डुअल वोल्टी स्पोर्ट है, डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों कैमरे की बात करें, 8 MP सेल्फी कैमरा, 12 MP रियर कैमरा AI के साथ। और दोस्तों जो इस बार इन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा, मतलब चेंज नहीं कह सकते, एक ऐसी चीज़ ऐड की है जिसकी मतलब दोस्तों आपको हर Xiaomi फ़ोन में उसकी ज़रूरत है। दोस्तों जो है आजकल, वैसे पहले समय में FM रेडियो का लोग बहुत यूज़ करते थे, आज भी कई शहरों में होता है, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर दोस्तों इनके सिग्नल्स आते हैं, वहाँ पर इनके जो मतलब रेडमी 8A में आ रहे हैं ऑप्शन, वो है FM रेडियो। मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होगा किसी फोन में रेडियो की ऑप्शन आ रही है आपको। स्टोरेज की बात करें दोस्तों, आपको 32 GB देखने को मिलेगी इसकी स्टोरेज, और रिटेल बॉक्स है जो दोस्तों वो भी लीक हो गया है इसका, आप वीडियो में यहाँ देख भी सकते हैं। चार्जिंग की बात करें दोस्तों, मतलब कि ये अगर 5000 mAh की बैटरी इन्होंने लगा भी दी तो दोस्तों वो सुपर फास्ट चार्ज करने के लिए 10 W की फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसका दोस्तों जिस पे ये बेस्ड है वो है एंड्रॉयड 9 Pie और MIUI कस्टम OS, तो आपको पता ही है इनका MIUI 10 पे बेस्ड है। इनका जो स्लोगन है वो है स्मार्ट देश का दमदार स्मार्टफोन, मतलब के भाई और कोई फ़ोन नहीं है। इसी को देखते हुए Realme जो कि बहुत तगड़ी कंपनी इंडिया में Xiaomi को टक्कर देने के लिए, Samsung को टक्कर देने के लिए अब आगे आ रही है। दोस्तों आपको मैं भी बताऊं, हम मेरे पास Xiaomi का MI का Note 7 Pro भी है, MI का A2 भी था जो मतलब किसी कारणवश वो गिर गया, और अब जो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों लेटेस्ट है Realme का XT। दोस्तों मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं उसमें, क्योंकि सेम था यार, सिर्फ एक उसमें आपको 712 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 64 MP का कैमरा, और दोस्तों उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्तों नहीं मुझे अच्छा लगा। कि और इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है Realme X में पॉपअप जनरेशन जो आजकल चल रहा है लेटेस्ट, वो भी है। तो दोस्तों ये थी Redmi 8A की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।